बच्चों आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ, मतलब लाई हूँ क्या, आज से बहुत दिनों से एक टॉपिक मेरे मन में था और स्पेशली जो प्रिंसिपल सर हैं वो चाहते हैं कि मैं आपको ये थॉट आपके सामने लेकर आऊँ और आपको समझाऊँ, ठीक है। तो हम सबको ये अच्छे से पता है, उसके बावजूद भी हमें इसके ऊपर काम थोड़ा सा करना पड़ रहा है और करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आज जो विचार आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, जो थॉट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है ऑनेस्टी, ठीक है, सत्यता, उचित ईमानदारी कह सकते हैं, सत्यता, उचित ईमानदारी यानी कि ऑनेस्टी, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आपके साथ एक विचार शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं कुछ कंपेयर भी नहीं करना चाहती, फिर भी करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूल मतलब जिन पे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, वहाँ से रिजल्ट अच्छा निकल जाए, वहाँ से अच्छा रिजल्ट निकल जाए, तो वो रिजल्ट अगर अच्छा होता है इस स्कूल का तो उसको बड़े स्कूल का दर्जा मिल जाता है, वहाँ पे पैसे बहुत खर्च किए जाते हैं, बहुत कुछ सब कुछ है वहाँ पे, है कि नहीं। पर क्या होता है, वहाँ भी ना पढ़ाई भी अच्छी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अदर्स जो स्कूल है, जो स्कूल नए बने हो या यहाँ पे फीस कम ली जाती हो या वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। पढ़ाई अच्छी होती है, मैं तो कहूँगी उनसे भी ज़्यादा अच्छी होती है, पर क्या होता है ना कि वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो सीमित होकर रह जाती हैं। तो मैं उनके लिए भी ये चीज़ आज शेयर करना चाहूँगी, उन बच्चों के लिए भी जो चाहते हैं कि उन उस बड़े बड़े स्कूलों में जो बच्चे हैं उनके साथ वो अपने आप को कंपेयर कर पाए, ठीक है। तो ये थॉट्स उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा काम भी ये करेगा। तो देखिए, जो नामी दामी स्कूल है, जो नाम बना चुके हैं, वो वहाँ पे काम क्यों बनता है पता है आपको? क्योंकि आज जो ज़माना है ना वो बदल गया है। पहले जो ज़माना था वो सिर्फ पढ़ाई के ऊपर डिपेंड था, अब बदल गया है, अब नहीं, बहुत पहले से ये बदल चुके हैं। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हमें क्या करना पड़ता है, डिसिप्लिन, यूनिटी, कल्चरल चीज़ें, अदर्स वोकेशनल कोर्सेस, इन सबको हमें सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है, जो कि हम न कुछ छोटे छोटे स्कूलों में वो नहीं कर पाते। जैसे अदर स्कूल में सीसीए क्लासेस होते हैं, ठीक है, हाउस में बता दिए जाते हैं, हाउस के रूप में तीन तीन चार चार भाग बना दिए जाते हैं, उनमें से अलग अलग प्रोग्राम्स किए जाते हैं, तो बच्चों के अंदर जो चीज़ें रहती है, बच्चे जो उससे पढ़ाई के अलावा जो चीज़ें जानते हैं वो उनको अंदर से उभर के आते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। तो मैं बस इसलिए इस टॉपिक को ला रही हूँ क्योंकि इसके साथ रिलेटेड है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज जो कंडीशन है हमारा, जो कोरोना महामारी जो चल रहा है हमारे जीवन में, जो पिछले मार्च महीने से शुरू हुआ है अब तक चल रहा है, हालांकि थोड़ा बहुत तो शुरुआत हो चुकी है, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में कोरोना का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा है कि नहीं। जब तक ये वैक्सीन ना निकले, या फिर कह सकते हैं वैक्सीन ना भी निकले, कोरोना हमारे साथ रहेगा और इसको लेकर ही हमें चलना पड़ेगा आगे, हमें इसको लेकर ही कभी चलना पड़ेगा। देखिए बच्चों, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ बच्चों को नहीं, मैं पेरेंट्स को भी और जितने मेरे सहपाठी हैं उनको भी ये बोलना चाहूँगी कि जो सिचुएशन था मार्च महीने में, हमने पहले एक महीना इंतज़ार किया कि कभी ख़त्म हो जाए, पर नहीं हो रहा था, जिसके चलते सभी राज्य सभी देशों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है। जो हमें पता था कि साइंस हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आज का ज़माना इंटरनेट का ज़माना हो चुका है, लेकिन इतना हावी हो जाएगा हमारे जीवन में ये हमें नहीं पता था, पर हो चुका है कि नहीं। पहले हम बच्चों को मोबाइल देना नहीं चाहते थे, फिर अब क्या हो गया, मोबाइल देना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन चुका है, अब मोबाइल के अलावा कुछ काम ही नहीं, हमारे पास देना ही पड़ता है, मजबूरन हमें बच्चों को देना पड़ता है। तो क्या हो गया, बच्चे मोबाइल में ही व्यस्त रह जाते हैं, और यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कुछ न्यूज़ में आपने सुना हो या न्यूज़ चैनल में आपने देखा हो कि जब भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी थी, कुछ जिन बच्चों को बच्चे के पास ऑलरेडी मोबाइल है वो कर पा रहे थे, जिनके पास नहीं है कुछ पैसे है वो खरीद ले रहे, जिनके पास पैसे भी नहीं वो किसी भी तरह उधार ले लेके मोबाइल खरीद रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस चला रहे थे। लेकिन जिन बच्चों के पास मोबाइल खरीदने की उम्मीद तक नहीं, उनके पास पैसे भी नहीं है, मतलब उम्मीद भी नहीं रखते कि वो मोबाइल खरीद सकते हैं ताकि वो जिनसे ऑनलाइन क्लासेस चला सकें, यानी कि एंड्रॉयड सेट खरीद सकें, उनके पास वो उम्मीद नहीं थी, तो वो क्या करते। इसके चलते कुछ कुछ हमारे असम के कुछ बच्चों ने आत्महत्या तक कर दी, क्योंकि वो बच्चे पढ़ना चाह रहे थे और देखा वो पढ़ नहीं पा रहे, और उनके ही सहपाठी पढ़ाई कर रहे थे,
यहाँ थे कुछ ऐसे भी थे जो दोस्तों के घर जाते थे ताकि एक साथ दो दोस्त मिलकर क्लास कर ले, लेकिन वहाँ भी कोरोना के चलते तो बच्चों को घर में घुसने नहीं दिया जा रहा था, पेरेंट्स को घर में घुसने नहीं दिया जा रहा था, अलग बाहर से को किसी को घुसने ही नहीं दे रहे थे, यानी अपने जो रिश्तेदार हैं उनको तो क्या हम घुसने नहीं देते थे, और दूर के बच्चों को तो बहुत दूर की बात। तो इसने एक चीज़ तो हमें सिखा दी कि जो भी करना है खुद को करना है, तो इसी के चलते हमें क्या करना पड़ेगा। हमने देखा जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं वो तो पढ़ाई कर रहे हैं, और जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी क्या, उनकी पढ़ाई क्या क्या होगा, क्या उनको पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, वो भी पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत पढ़ना चाहते हैं। हम देखते हैं अच्छे अच्छे रिजल्ट किनका होता है, जिनके पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है, कुछ भी सामग्री, कुछ भी ज़रूरत चीज़ें उपलब्ध नहीं है, वही अच्छे रिजल्ट कर रहे हैं, है कि नहीं। तो हमने क्या देखा कि जिनके पास मोबाइल नहीं है वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, जिनके पास मोबाइल नहीं वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे, तो वो क्या बच्चे एग्ज़ाम नहीं देंगे उनको ऐसे ही चला देंगे। पर उन बच्चों को भी तो कुछ खुदगर्ज है ना, उनकी भी तो कुछ मर्जी है कि नहीं हम बिना पढ़े क्यों ऊपर चले जाए, उनको भी तो जानना है वो चीज़ें, उनको कम से कम घर में पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों को एग्ज़ाम भी तो चाहिए, वो तो चाहते कि मेरा भी रिजल्ट आए। आखिर हम एग्ज़ाम लेते क्यों हैं, ये भी तो सवाल है, आखिर हम एग्ज़ाम देते क्यों हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम टीचर्स जो शिक्षक शिक्षिका हैं वो क्या करते हैं, ज्ञान बांटते हैं, और ज्ञान के बदले में हम बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं कि वो ज्ञान ले, और ज्ञान लेने के बाद उनकी एग्जामिनेशन होती है, यानी कि परीक्षण होते हैं, उसके बाद उस परीक्षण का हम इवैल्यूएशन करते हैं। क्यों करते हैं कि देखते हैं उन बच्चों ने कितना ज्ञान मिला है, उन बच्चों को कितना ज्ञान कितना लिया है, और हमने जितना दिया उनमें से उन्होंने कितना ले पाए, है कि यही तो है। पर क्या हमने लग रहा कि इस महामारी के चलते हम ज़्यादा उन पर हावी हो चुके हैं मोबाइल के चलते, और कुछ बच्चे जो है वो पढ़ भी नहीं पा रहे, क्या हक नहीं बनता सबको पढ़ना चाहिए। इसके चलते जो प्रिंसिपल सर है वो चाहते थे कि मैं इस टॉपिक को आपके सामने शेयर करूँ, आप तक ये जाकर पहुँचे और काम भी हो। तो हम चाहते हैं कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे वो भी एग्जामिनेशन में बैठे, और इसके चलते हमने क्या किया इस साल, यानी कि हमारे प्रिंसिपल सर चाहते हैं कि इस साल कोई भी बच्चा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहा था उनको भी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा जब तक ये सिलसिला चलता रहे, उसके बाद तो एग्ज़ामिनेशन स्कूल में ही चलेंगे, लेकिन जब तक ये नहीं चल पा रहा था तब तक ये चले, क्योंकि ऑफलाइन लेके जाए बच्चे और एग्ज़ाम घर पे ही दें और पेपर्स घर पे ही स्कूल पे जमा करें, और इसीलिए ये टॉपिक मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ऑनेस्टी, क्योंकि विश्वास हमें करना पड़ेगा, विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है। हम हमेशा बोलते हैं विश्वास करेंगे तो ही विश्वास मिलेगा, पर हमने तो उन बच्चों के विश्वास करना ही छोड़ दिया। अगर हम विश्वास करेंगे नहीं तो वो उनमें विश्वास की जो उम्मीद है वो जलेगा कैसे, उनमें विश्वास पैदा होगा कैसे। तो विश्वास तभी पैदा होगा जब हम उन पर विश्वास करेंगे, है कि नहीं। हम जूम के सहारे, क्लासरूम के सहारे, गूगल मीट के सहारे, व्हाट्सएप के सहारे एग्ज़ाम दे रहे हैं, बच्चों पे वीडियो कॉल के थ्रू एग्ज़ाम दे रहे हैं, और वीडियो कॉल में क्या कर रहे हैं, उधर मत देखो, दाएं मत देखो, बाएं मत देखो, ऊपर मत देखो, नीचे मत देखो। हम भी करते हैं, मैं भी कर रही हूँ, पर इससे क्या हो रहा है, बच्चों पे जो उनकी अंदर खुद की जो उम्मीद है वो भी टूट रहा है, हमें भी विश्वास नहीं हो रहा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, शायद देख के लिख रहे होंगे, शायद पेरेंट्स हेल्प कर रहे होंगे, ये हमारे अंदर एक सोच रह जाती है। तो इसको तोड़ना है, और इसको तोड़ के एक इस एग्ज़ाम को ऑनेस्टी के बेस पर एग्ज़ाम देना है, ताकि जो ऑफलाइन बच्चे वो ना सोचे कि ऑनलाइन बच्चे तो क्लास कर रहे हैं तो इसीलिए वो एग्ज़ाम अच्छे से दे पा रहे, और हम तो क्लास भी नहीं कर पा रहे तो एग्ज़ाम हम नहीं दे पा रहे। तो इक्वली हमें सबके लिए सोचना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम ऐसे बनाइए, बेस्ट उनके ऊपर विश्वास कीजिए, और विश्वास करके देखिए, एक बार नहीं दो बार नहीं काम जरूर करेगा, है कि नहीं। उम्मीद की दिया चलाए तब तक रखना है जब तक उम्मीद पूरा ना हो। आप हौसला विश्वास रखोगे तो आपको विश्वास भी पूरा होगा, आप ईमानदार रहोगे तो ईमानदारी के फल मिलेगा, हौसला रखोगे तभी बुलंदी कुछ होगी, है कि नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है, और लॉकडाउन के चलते जो है हमारी जीवन के क्या बोलूँ, सभी जो सफलताएं थी, जब सभी जो कार्य थी जो हमें करना था वो नहीं हो पाया, किसी किसी का हो पाया, किसी किसी का नहीं हो पाया,
तो इसके चलते हमने ये डिसाइड किया कि बच्चों पे विश्वास किया जाए उन पे। फिर से पहले जमाने में तो मोबाइल नहीं थी, पहले जमाने में थी क्या, मोबाइल नहीं थी, तो उस जमाने में शिष्य कैसे क्या करते थे, गुरु उन पे विश्वास करते थे, क्या उन पे पुस्तकों की जो लिखाई पढ़ाई उन पे उनको उन पर हावी होने देते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। विश्वास था, उम्मीद थी। अगर आप विश्वास करोगे उन पर तो उम्मीद की किरणें भी उन पर जलेगी। एक बार विश्वास करके देखते हैं, है कि नहीं। दिया एक बार जलाओ, हवा के जोर से बुझ जाएगा, दो बार बुझ जाएगा, थर्ड टाइम आप क्या करोगे उसके हाथों के बाद उसको निभने से, उसको बुझने से बचाओगे आप। तो उसी तरह आपको उम्मीद रखना पड़ेगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, उम्मीद जरूर जगेगा। और सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स को उन पे उन बच्चों पे विश्वास रखना पड़ेगा। एग्ज़ाम के थ्रू या परीक्षण के थ्रू उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा कि बच्चे तुमने जो सीखा उनको दो। और पेरेंट्स को उनको उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर देखना चाहते हैं अपने बच्चे फ्यूचर में कामयाबी हासिल करें, उस ऊंचाई उस मुकाम तक जाके पहुँचे, तो आपको उन पर विश्वास करना पड़ेगा। मदद नहीं, मदद कीजिए जब उनकी सहायता की ज़रूरत है, तब कीजिए, उतना कीजिए जितना उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी आप विश्वास करेंगे ना, और विश्वास के साथ सच्चाई और ऑनेस्टी का बहुत बड़ा नाता है, क्योंकि विश्वास ही सच्चाई का सबसे बड़ा आधार है। आप अपने आप पर विश्वास करोगे तभी आप छूओगे ईमानदार ऊपर तक, सफलता तभी आप छू पाओगे। मैं एक उदाहरण देती हूँ, मेरी ज़िंदगी के उदाहरण है, मैं दो दो उदाहरण आपको दे रही हूँ। एक मैं स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए बोलूँगी, आई थिंक जो मेरे वीडियो देखेंगे और अगर वो बच्चे देखते हैं तो उन वो बच्चों को पता चल जाए कि मैं उनके बारे में ही ले रही हूँ। वो बच्चे मेरे कोई बुराई नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, ठीक है, मेरे बच्चे थे। सब भी स्टूडेंट्स के, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब मेरे लिए इक्वल हैं। तो मेरी ज़िंदगी में मैंने कहीं पर भी काम किया, मैं स्कूल का नाम भी नहीं लूँगी, वहाँ पे एग्जामिनेशन के चलते मुझे ड्यूटी मिली थी और मुझे दो ऐसे बच्चे मिले थे जो चीटिंग कर रहे थे। मैंने उनको एग्ज़ाम के चलते फर्स्ट टाइम, मैंने मुझे पता चल गया था कि वो बच्चे चीटिंग कर रहे थे, हालांकि मैं चीटिंग पकड़ रही थी, फिर भी मैंने उसको कहा कि जो भी चीटिंग कर रहे हैं वो चीटिंग के जो भी लाए हों साथ में उसको हटा दे, चीटिंग ना करें। मैंने उनको पहले दिन समझाया, एक बार, दो बार, तीन बार मैंने कहा, यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंखें डाल के भी कहा, पर शायद बच्चों को समझ नहीं आया। उसके बाद जब मैंने उसकी चीटिंग पकड़ी, पकड़ने के बाद बच्चा बहुत डर गया। मेरे जो सहपाठी गण है वो चाह रहे थे कि मैं उसकी पेरेंट्स को बुलाऊं, उसको पनिश करूं या फिर उसको स्कूल से निकाल दी जाए, पर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है पनिशमेंट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। पनिशमेंट देना सोल्यूशन नहीं होता, समाधान नहीं होता किसी भी कार्य का। काम जब उसको पनिशमेंट दे दोगे तो उसका समाधान नहीं होता। उस बच्चे को मैंने क्या किया, उसको बुलाया, उस पर विश्वास की कि आज मैं तुम पर विश्वास कर रही हूँ कि कल अगर तुम्हें इसके ऊपर खड़ा उतरना है, अगर अपने आप की छवि को आईने में दोबारा अच्छे से देखना चाहते हो, तो मैं तुम पर विश्वास करके छोड़ रही हूँ कि आइंदा से तुम कभी चीटिंग नहीं। तो उस बच्चे की आंखों में आंसू थे और उसने मुझे वादा किया कि मैम जब तक मैं हूँ आपको कभी इस शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और एक नहीं, वो तीन, दो दोनों बच्चे बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ एग्ज़ाम पास कर लिए, यहाँ तक कि टेंथ भी पास कर लिए, ट्वेल्थ भी पास कर लिए। और ऐसा भी आया कि उनकी मुस्कुराहट मेरे आँखों के सामने छलक रही थी और मुझे अच्छा लगा कि वो बच्चे विदाउट चीटिंग के साथ पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि वो बच्चे ज़्यादा कुछ लेकर नहीं आया था, बस मैथ्स का एक फॉर्मूला था, बस एक ही फॉर्मूला था जिसके सहारे वो पूरा मैथ्स कंप्लीट करता, पर चीटिंग तो था। तो मैंने क्या किया, पनिशमेंट नहीं दिया, उस पर विश्वास किया और उसी विश्वास ने उसे ऑनेस्ट बना दिया। ठीक उसी तरह मैं और आपको और दो स्टोरी और एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी कि हमारे पास में दो लड़कियाँ थीं और ठीक ऑपोजिट में और एक बड़ा सा बिल्डिंग था जिसमें बहुत सारे फूलों के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। वो आदमी मैं देखती हूँ रोज, दो लड़कियाँ जो है वो भी देखती थी, मैंने भी देखा कि रोज वो जो आदमी था ऑपोजिट साइड में जो बिल्डिंग में जो रहता था वो हमेशा पेड़ पौधों को बहुत संवारता था, बहुत उसकी
जो भी उनके लिए चाहिए ऑर्गेनिक चीज़ें मार्केट से लेकर आता था, साल लेकर आता था, उसमें देता था कंटिन्यूस, तो उसमें कुछ ना कुछ दवाइयाँ भी आजकल मिलती है पेड़ पौधों में देने के लिए, वो देता था कंटिन्यूसली, तो इसमें फूल बहुत जल्दी लग जाते थे। ठीक उसी को देखते हुए दोनों लड़कियों को भी लगा कि हमें उनको भी वो फूल और पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तब इन्होंने क्या किया, उन दोनों लड़कियों को भी फूल और पेड़ों मतलब पेड़ पौधे लगाना बहुत पसंद है, तो उन्होंने भी लगाया। लेकिन उनके पास उस हद तक पैसे नहीं थे कि वो साल लेके आए और ये चीज़ें खरीद के लेके आए और उनकी पेड़ों पे दे। और उन्होंने क्या किया, लगातार उनकी और बीज बोए, उनको जो बीज उन्होंने बोए थे उन पर पानी लगा रहे थे और कुछ नहीं, बस टाइम टेबल समय समय पर उनको पानी दे रहे थे। और उनको याद है कि उनकी पता है उन दोनों लड़कियों को कि हवा धूप और पानी जो वायु और ये चीज़ें जो हैं उनके पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनके बिना पेड़ पौधे नहीं रख सकते। तो उन्होंने ऐसे ही जगह पे लगाए ताकि उनको धूप हवा वायु मिल पाए और साथ ही वो भी सब बस पानी दे रहे थे। पर उन्होंने सोचा कि हमारे पेड़ पौधे क्यों नहीं होंगे थे, उनमें बहुत मन में सवाल थे कि उस आदमी के बिल्डिंग में जो पेड़ पौधे लगाए वो बहुत जल्दी उगे थे पर हमारे नहीं। पर उन्होंने फिर से सोचा कि पहले ज़माने में तो ये सब चीज़ें नहीं थी, सारे नहीं डाले जाते थे, इतने कुछ नहीं था, फिर कैसे उगते थे, थोड़ा सा देरी है पर क्या होता था, उगेगा जरूर। तो उनमें विश्वास था, लगन थी, और उन्होंने उस विश्वास और लगन के साथ उसमें कंटिन्यूसली सिर्फ पानी ही डाले और टाइम टाइम पर उनकी देखभाल की और देर से ही सही उन पेड़ पौधे पे फूल खिलने लगे। इसका मतलब ये ईमानदारी, जीवन में ईमानदारी से क्या हुआ, कोई भी कार्य सफलता जरूर होगा, कभी भी वो कार्य कभी नष्ट नहीं होता, जीवन में कभी ना कभी कामयाब आप जरूर होगे या कामयाबी जरूर आपको मिलेगी, बस इंतज़ार करना पड़ता है और बस वक्त आप कब आएगा आपको पता नहीं। और कहते ही हमारे इंतज़ार का फल मीठा जरूर होता है, तो ईमानदार आप रहोगे तो ईमानदारी का फल आपको जरूर मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि हम बस एक बार बच्चों पे ईमानदारी के से एक विश्वास करते हैं, उनकी ईमानदारी को देखते हैं कि बच्चे ज़रूर करेंगे और हमें उनको उन पे ऊपर विश्वास करना चाहिए और बस उनको ऊपर एक बार छोड़ के देखना चाहिए, ताकि जो बच्चे क्लासेस नहीं कर पा रहे और जो बच्चे क्लासेस कर पा रहे सभी को समानता के साथ देख सके और सभी की ईमानदारी को जांच सके, ताकि बच्चों में ईमानदारी की जो भावना है जो आज के ज़माने में कम थोड़ी है बट वो मिट चुकी है, उतनी हद तक नहीं है, जो फिर से पैदा हो पाए। सो बच्चों ये आज सब आज से बच्चों के लिए नहीं पेरेंट्स के लिए भी आप सबके पास ये पहुंचना था कि फिर से ईमानदारी से एक बार जिया जाए।